तो दोस्तों क्या क्रेजी दीप का चैनल डिलीट हो सकता है? दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम में खुद क्रेजी दीप ने बताया, क्योंकि क्रेजी दीप इस बार सचमुच में बहुत ही क्रेजी काम करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम में स्टोरी पोस्ट करके बताया कि अगली वीडियो के बाद 100% या तो अगले बंदे का चैनल खत्म या मैं। कल पूरा दिन बैठ के लोगों से बात किया कि भाई रिस्क तो नहीं होगा ना, लेकिन मुझे लगता है कि अब रिस्क लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अब कल ही पता चलेगा किस बंदे के ऊपर वीडियो आ रहा है, किस बंदे को रोस्ट किया जा रहा है, वो बंदा कितना बड़ा तीस मार खा के क्रेजी दीप के चैनल को डिलीट किया जा सकता है। आप लोग क्या लगता है गेस करके जरूर बताना है किस बंदे के बारे में बात हो रहा है। वही बात करेंगे अदनान 07 के बारे में, क्योंकि अदनान 07 काफी टाइम शादी के बाद से तो गायब ही रहा करते थे, लेकिन अब फाइनली उन्होंने कमबैक किया और उनका एक वेब सीरीज आ रहा है। उन्होंने हिंट भी दिया था यहाँ पे, शूट का बिहाइंड द सीन डाला था, पिक्चर डाल के पूछा था लोगों से कि आप लोग क्या लगता है म्यूजिक वीडियो होगा या फिर यहाँ पे वेब सीरीज होगा, लेकिन उनको जो रिस्पॉन्स मिला काफी मिक्स अप रिस्पॉन्स मिला। अब उन्होंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल के खुद बताया कि वो वेब सीरीज लेके आ रहे हैं और वेब सीरीज में वो रॉकी नाम उनका होगा एंड वहाँ पे दोस्तों गैंगस्टर टाइप का कुछ लेके आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ बताया खुद आप देख लीजिए। तो कल मैं इतना सब हिंट दिया पर फिर भी आधे से ज्यादा लोग बराबर गेस नहीं कर पाए, सब म्यूजिक वीडियो वोट किए ज्यादा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ वेब सीरीज का शूट चल रहा है और कल भी लेट नाइट तक का शूट हुआ, 3:30 बज गए घर पहुँचते पहुँचते। मेरी तबीयत भी खराब है, अभी भी मैं जा रहा हूँ शूट पे, ऑन द वे हूँ, और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और साथ में कौन है वो भी बहुत जल्द आप लोग को पता चल जाएगा। वो भी मैंने गेस के लिए डाला था और उसमें भी बहुत सारे लोग सही गेस किए मगर मैक्सिमम लोग उसमें भी गलत गेस किए, तो अच्छा है सही है गेस करते हो आप लोग। और स्टे ट्यून्ड रॉकी बैड बॉय।